से ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ये तो समझ गई है। हम ओम शांति से शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में बात करते हुए भी अंदर में शांत रहते हैं। ये समझ गए सभी? मुझे बड़ी खुशी है, साखी होकर के देखा है हर एक ने कैसे दिल अपनी खुली रखी है। तीनों विषय पर सिंपलिसिटी, क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना लेन देन करते हुए कई बातें अपने आप बिजली विचार करते हैं, उसका ठीक लगता है, पर जब ये एक्सचेंज करते हैं आपस में मिलके कितना स्पष्ट हो जाता है। सोचते जब करने का विचार आता है तो कहते हैं इसमें हिम्मत चाहिए। परसों मैंने ऐसे सुना, अब मैंने देखा अभी सब में हिम्मत है, सर्व गुणों में महान गुण है हिम्मत। मेरे से पूछेंगे भगवान की मदद, हर समय भगवान का हाथ पकड़ते बहुत मिली है, परंतु हिम्मत पहले, हिम्मत हमारी, मैं हर एक से बात कर रही हूं, अपने दिल से बात कर रही हूं। देखा है परसों और कल और आज कितनी सब में हिम्मत आ गई है, फिर मैं अनुभव से कहती हूं हिम्मत मुझ परमात्मा के प्यारे बच्चे की 100 गुना मदद है, मीठे मीठे बाप की। ये विश्वास है, अनुभव है, विश्वास भी अनुभव से मजबूत हो जाता है। कोई कहते हैं अनुभव हो तो विश्वास करें, हम कहते हैं आपको विश्वास रखो तो अनुभव होगा जरूर। क्यों? बुद्धि को हलचल में लाना बहुत सोचना आसान है, आदत ही है। बुद्धि को एकाग्र करना, हिम्मत, शांति और परमात्मा में प्रेम, फिर जो आप सब ने कहा, भले मुख एक दो का होगा लेकिन आवाज सबके दिल का था। 21st आने वाली सदी के लिए ये बीज बोया है। कैसी दुनिया आएंगी, किस तरह से आएंगी, उसको हम पानी देंगे जरूर, अच्छी तरह से। तीनों बातों को सामने रख करके पहले सिंपलिसिटी,
इतना सिंपल, बहुत सुंदरता है सिंपलिसिटी में। आपस में कम्युनिकेशन में, भगवान के साथ संबंध में, खुद को समझने में बड़ा सिंपल है। कोई बहुत माथा लड़ाने की बात नहीं है। ठंडे दिमाग से, साफ दिल से विचार करो। अनुभव कहता है सिंपलिसिटी दिमाग को ठंडा रखती है, दिल को साफ रखती है। संबंध में आपस में निस्वार्थ भाव है, कल्याणकारी भावना है। एक दो के दिल पर हाथ रख के हमदर्दी का स्वभाव है। हमदर्दी भी एक संसार में इंसानियत की एक दो के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही कुछ अपने लिए, तो हर एक सोचता है अपने परिवार के लिए। पर जब विश्व के लिए सोचे, विश्व के लिए कुछ करे, उसके लिए फिर विश्व के लिए कुछ करना है तो मुझे ही करना है। सिंपलिसिटी इशारा करती है उनको विश्व के लिए प्यार है तो तू पहले त्याग भावना रख। हमने देखा है सारे विश्व के अंदर महात्मा गांधी के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि उनका त्याग, तपस्या, भगवान में विश्वास। उसने भारत के लिए किया, और हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं किसके लिए? सारे विश्व के लिए। चारों तरफ विश्व के कोने कोने में शांति प्रेम की आज के संगठन से वर्षा होती रहे। जैसे आप मेरे ख्याल में बादल के रूप में भरने के लिए आए हैं, ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो, प्रेम के सागर के कंठे पर आए हो। भगवान से वो शक्ति सकाश लेकर के बादल बन करके जहां भी आप जाएंगे, ये सिंपल सच्चाई सरलता को साथ लेकर के इतनी वर्षा होंगी जहां तहां। जो भय और चिंता है क्या होगा, इक्कीस सदी में आप दिखाएंगे, मुख से नहीं बोलेंगे। जैसे हम कई बार सोचती हूँ मुख से मैं क्या बोलूं, यूं तो बोलने के शब्द कोई स्पीच नहीं होंगी, पर दिल का आवाज होगा। दिल का आवाज भी इसलिए है दिलों तक पहुंचे, दिलिया माने, यही राइट है। ऐसे ही होगा, करने से होगा, हिम्मत से होगा, विश्वास से होगा, लगातार पुरुषार्थ से होगा। आज मंगुस्सा है, कल जरा भी मंगुस्सा कम न हो, ये मैं दिल से आप लोगों को कहती हूं। इस उमंग उत्साह को हिम्मत के साथ, उमंग उत्साह एक पंख देता है कार्य में। जो दिल से काम करना होता है
उसमें शुद्ध श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्प, समझा सभी ने, संकल्प में शुद्धि बहुत, श्रेष्ठ साधारण काम नहीं करना है, ऊंचा तो ऊंचा करना है, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन रख करके करना है। वैसे आज दुनिया भी समझती है कोई नेता नहीं कर सकता, राजनेता नहीं कर सकते, धर्म नेता है कुछ नहीं कर सकते, साइंसदान कुछ नहीं कर सकते, भी कौन करेगा? एक जो सबका प्यारा है उसको, वो हमारे लिए बाएं पसार खड़ा है, आओ इशारा दे रहा है, बैरियर को खत्म करो। ये शब्द मुझे अच्छा सुनने को लिए मिला, ब्रिज बनाओ, बैरियर खत्म। जिस घड़ी बैरियर सामने आता है तो रुक जाते हैं, जब ब्रिज जाती है पार चले जाते हैं। तुमको जो बात सामने आती है रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, ये हमारे 60 वर्ष के अनुभव का एक दो शब्दों में कह देते हो, न कभी रुके हैं न कभी रुकने वाले हैं। सच्चाई के काम में बाप की मदद से, दृढ़ विश्वास से, ये बाबा ने, बाबा आप समझ जाओ हम किसको कहते हैं, जो आपका सबका हमारा पिता परमात्मा एक, पहले से इशारा दे दिया था। तब दुनिया की ये हालतें नहीं थी, लेकिन हम बलहारी अपने भाग्य की कहते हैं, और बलहारी आज आप लोगों के यहां आने की घड़ी की कहते हैं, जो उसने आप सबको खींच के यहां लाया है। हर एक के दिल से ये कभी भी कोई प्लान नहीं होगा हमको यहां आ सकते हैं, किसने खींच के लाया है, क्यों लाया है? भारत की खींच तो होती है, पर भारत में भी यहाँ ऐसे स्थान पर आप सबका यहाँ आना, माना अपनी ज्योत जगाना, स्पिरिचुअलिटी क्या है उसका अनुभव करना, क्रिएटिविटी क्या है वो अच्छी तरह से जानना, देखना और उसको अमल में लाना। जो बातें हमारी गुम हो गई थी, दब गई थी, वो फिर से वापस हमारे में आए। ये सबके अंदर मैं देखती हूँ बड़ी अच्छी आशाएं पैदा हो गई है। ये बाकी सब पुरानी पहली वाली बुद्धि द्वारा, चाहे अपने कल्चर द्वारा या आदत या किसी, वो सब लगेगा अभी समाप्त करना है। और संपन्न बनने के लिए हम संपन्न बनेंगे तो ये अंदर से पहले से ही एक दृश्य सुंदर सामने आता है, हमको संपन्न बनता हुआ देख, हमारी कमियां खत्म हो जाए, अच्छाइयां जितनी हमारे अंदर दिव्यता के रूप में मेरे सामने आ जाए, कितनी हम औरों की दुआएं लेने के लिए एक अधिकारी बन जाएंगे। तो मैं अपनी बात सुनाती हूँ, मेरी बात, मैंने ये भी देखा है जिन जिन बहन चाहे भाइयों से जहां जहां दिल से बात करते हैं तो प्यार से स्वीकार करते हैं, कोई ऐसे नहीं करता है। ये भी पता नहीं क्या आपका हमारा
हम सबका इतना कोई स्नेह है, एक दो की बात को यहाँ भी वातावरण में देखा कितना प्यार से ऐसे स्वीकार कर, कोई ऐसे नहीं करता, कितना दिमाग सत्तुगुनी बन जाता है, कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट है। तो प्यार और रिस्पेक्ट से हम एक दो की बात को स्वीकार कर रहे हैं तो माना हम एकता को आपस में ला रहे हैं। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तुम समझते हो एकता में लाना संसार में इजी है? मैं कहा बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग बता देती हूँ, बताने का मतलब ही ये है, अनेकता को, अनेक मतों को एकता में लाना बड़ा इजी है। सिर्फ सच्ची दिल, निम्रता भाव, सत्यता की शक्ति, कहाँ जाएंगे? हर आत्मा को ये चाहिए, सच्चाई सबको प्यारी लगती है, परंतु अभिमान सच्चाई को ढक देता है। अभिमान को खत्म करेंगे, सच्चाई एक तो के सामने रखेंगे, तो मेरा अनुभव कहता है हम सब एक के हैं, और एक को करके रहने में जो आनंद है, वो आनंद जो आप लोगों के अंदर बीज परा, इसका फल कितना अच्छा सुंदर होगा, उसके लिए हर एक समझे मैं रिस्पांसिबल हूँ, मैं रिस्पांसिबल हूँ। तो एक रिस्पांसिबिलिटी है जैसे बोझा, दूसरी रिस्पांसिबिलिटी है हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? हम दादियाँ आपस में रो रहा करते, रिस्पांसिबिलिटी क्या है? क्या रिस्पांसिबिलिटी है? आप कहते दादी होस्ट बड़ी अच्छी रही, क्या किया? खुशी हुई अपने घर आए, प्यारे बाप के घर आए, अपने आप अपनी फैमिली हो, जो आपका हक है वो लेने के लिए आए, बाप ने जो हमको दिव्य नैन दिव्य बुद्धि दी है वो आप अपने साथ सौगात के रूप में लेने के लिए आए, भले आए जी आए, सदा आपका बाप का घर है सो आपका घर है, और हम सब एक फैमिली है। तो ऐसा ही जो यहाँ बाबा के घर से पाया है, मुझे गारंटी है कि इसको भूलने वाला नहीं है। जैसे कहा ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मिनट में बात बिल्कुल इजी है, ये इंग्लिश में जानती हूँ, इतना जानती हूँ, फॉरगिव सेकंड में फॉरगेट, फिर कितनी खुशी है, कैसे सहज यूनिटी होती है, कितना प्यार है। एक सेकंड में बात समाप्त हुई, मुस्कुराते हुए कहो ओम शांति, ये तुमने क्यों किया, ये बंद हो गया, चेंज हो गए, कितना चेंज होने में सहज है, सेकंड में अंदर से भूल जा। इसके लिए 5 साल पहले हम लोगों को ऊपर का इशारा मिला था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए 3 बातें बुद्धि में रखो, क्यों ऊपर वाले से कनेक्शन है तो इशारा तो मिलता ही है। दिन प्रतिदिन जितना आगे बढ़ो, खिमिया, रहम और स्नेह, बाबा कहे तुम्हारे संस्कारों में होना चाहिए, अपने ऊपर भी खिमिया, नहीं तो अपन को दोषी बनाते हैं, बड़ा दुखी करते हैं, पनिशमेंट देते हैं अपन को, नहीं करो खिमिया, फिर रहम से, स्नेह से बीती बात को भूल जाओ, आगे बढ़ो, खुद के लिए चाहे सबके लिए। ये 3 बातें इतनी फायदे वाली है, आप देखेंगे आप अपन को भी बढ़ा, जो मेरी कमी कमजोरी है वो अभी न रहेंगी,
खत्म। खिमिया के साथ अपन पर रहम किया है, ये मेरे पास चीज नहीं रहनी चाहिए। सच्चा प्यार अपन साथ है तब भगवान मुझे प्यार करेगा, तब सबकी दुआएं मिलेंगी। तो मुझे अपन के लिए ऐसे करना है, पर सबके साथ जो भी मेरे संग में संपर्क में आए सब मेरी फैमिली फ्रेंड्स है। हमारी फैमिली छोटी नहीं है, सारी विश्व अपनी फैमिली है, सब विश्व के आत्माएं हमारे फ्रेंड्स है। और हम जो करेंगे, जितनी हमारी आपस में मित्रता होंगी, मित्रता में निर्भयता है, एकता है, और वो एकता का व्यवहार हमारा ये तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाता है, सत्व पशु पंछी भी खुश होते हैं। तो हमारी जवाबदारी है खिमिया रहम और स्नेह को से अपने आप को अच्छी स्थिति में रखना। कैसी भी संसार में हालत हो, दुखियों को देख करके दुखी नहीं होना, दुखियों का दुख दूर करना। कहीं कहते हैं तुम दुखियों को देख दुखी नहीं होते, मगर दुखी नहीं होंगे। दुख हरता साथ में है, उनके शक्ति से दुखियों का दुख दूर करेंगे। सुख शांति दाता मेरा बाप है, उनसे हम लेकर के सुख शांति देंगे। तो ऐसे ही अपने दिल से, सच्चाई से, प्रेम से, अगर खुद को भी हम अच्छी तरह से अपनी जवाबदारी समझ करके, मुझे ही अपने लिए करना है। मदद भगवान की मिलेंगी जरूर, पर पहले शुद्ध श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प हिम्मत से मुझे रखना है। ऐसे निरंतर पुरुषार्थी सच्चे दिल वाले योगियों का सदा सफलता साथ देती है। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।